Hello, everyone, and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 17 of class 11th, that is breathing and exchange of gases. In the previous video, we have started with the human respiratory system. So, before we proceed further, let's revise what we have read. पिलनाओ सो इन सिंपल इन शॉर्ट the human respiratory system starts with the external nostril opening, कि हमारी जो nostrils हैं वहाँ से हमारा respiratory system शुरू होता है ये रेस्पिरीटरी जो नोस्ट्रेल्स हैं यागे कहाँ पहुँचती हैं nasal चैम्बर के अंदर ओपन होती हैं किस चीज़ के थ्रू नेज़ल पैसेज के थ्रू होते हुए नेसल चैम्बर में जाके ओपन अप होंगी ये जो नेजल पैसेज है आगे कहाँ कंटिन्यू करेगा फेरिंग्स के अंदर जाके कंटिन्यू करेगा फेरिंग्स क्या है फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है यानी एक कॉमन रास्ता है फूड और एयर दोनों के लिए तो जिस टाइम पे, नॉर्मली जब हम कोई भी चीज़ स्वेलो करते हैं या खाना खाते हैं तो उस टाइम पे एक कार्टिलेजियस फ्लैप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं एपिग्लोटस वो क्या करती है जो ग्लोटस वाला रीजन है यानी जो विंड पाइप वाला एरिया है उसको कवर कर देती है ताकि जो खाना है वो सीधा ईसो के अंदर पहुंचे और विंड पाइप के अंदर एंटर ना करे तो जो विंड है वो फर्दर फेरिंग्स के थ्रू होते हुए ये पैसेज आगे कहाँ ओपन होगा लैरिंग्स के अंदर लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं साउंड बॉक्स भी बोलते हैं ये जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है और साउंड प्रोडक्शन में मदद करवाता है लैरिंग्स के बाद ये जो एरिया है ये ओपन अप होता है ट्रैकिया के अंदर ये जो ट्रैकिया वाली ट्यूब है ये एक बिल्कुल स्ट्रेट सी ट्यूब है और जब ये मिड थोरेक कैविटी के एक्सटेंड करती है तो जो पांचवा थोरेक वर्टिब्रा होगा वहाँ पे जाके ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी पहला है राइट प्राइमरी ब्रोंकी और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी अब हमें इसके आगे और पढ़ेंगे अब ये जो दोनों ब्रोंकी हैं यानी लेफ्ट और जो राइट right ब्रोंकी है ये क्या करेंगी इनके अंदर रिपीटेडली डिवीजन होंगे और डिवीजन से ये प्राइमरी ब्रोंकी क्या बन जाएंगी सेकेंडरी ब्रोंकी बन जाएंगी और और डिवीजन के साथ ही क्या बन जाएंगी फिर टर्शरी ब्रोंकी बन जाएंगी और उसके एंड पे क्या प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे बिल्कुल ब्रोंकिअल्स प्रेजेंट होंगे द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड दर्शरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रांकील्स आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कारजियस रिंग तो ये जो ट्राकििया है प्राइमरी ब्रोंकी सेकेंडरी ब्रोंकी और जो टर्शरी ब्रोंकी है और इसके अलावा जो ब्रोंकी ऑल्स हैं इनको सपोर्ट कौन करता है एक कार्टिलेजियस की रिंग यानी कोई कार्टिलेज की बनी हुई रिंग जो कि इनकम्प्लीट है वो इन चारों को सपोर्ट करती है ईच टर्मिनल ब्रॉन्कील गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इेगुलर वर्ल्ड एंड वस्क्यूलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एलोवेलाए तब ये जो ब्रॉन्कील्स हैं इनका जो एंड होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे बिल्कुल पतले पतले और इेगुलर वॉल्ड के छोटे छोटे बैग के जैसे स्ट्रक्चर्स और उनको हम क्या बोलते हैं एलोविलाई बोलते हैं यानी ब्रॉन्कीस के एंड पे एलोविलाई प्रेजेंट होगी एलोविलाई के बारे में हम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं फंक्शन क्या होता है एलोविलाई का एलोविलाई एक्सचेंज के लिए एरिया को इंक्रीज करवाती है चीज के एक्सचेंज के लिए ओ टू और CO2 टू के एक्सचेंज के लिए द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी ब्रोंकिल्स एंड एलोवेलायप्राइज द लंग्स और ये पूरा ब्रोंकी का नेटवर्क ब्रोंकियोल्स और जो एलोवेलाय हैं ये मिलके क्या बना लेती हैं लंग्स को बना लेती हैं वी हैव टू लंग्स च आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूड बिटवीन दैम तो हमारे पास कितने लंग्स होते हैं दो लंग्स होते हैं और ये जो दोनों लंग्स हैं इनके ऊपर एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं तो ये डबल लेयर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी लंग्स के ऊपर और विद द प्लूरल फ्लूड बिटवीन दम तो ये जो डबल मेम्ब्रेन है यानी कि दो मेम्ब्रेन है ये तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं प्लूरल फ्लूड इट रिड्यूजेज फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस और ये जो प्लूरल फ्लूड है इसका मेन फंक्शन क्या होता है जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको कम करवा देती है यानी जो लंग का जो सरफेस है वहाँ पे जितना भी फ्रिक्शन होगा उसको ये कम करवा देगी दी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी थोराइक लाइनिंग वेयर वेयरस द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद दी लंग सर्फेस तो हमने ऊपर क्या बात की थी ये जो प्लूरा है इसकी डबल लेयर है तो इसकी जो आउटर लेयर होगी वो तो जो थोरेक लाइनिंग है उनके कांटेक्ट में होगी और जो ये इनर वाली मेम्ब्रेन है प्लूरा की ये किसके कांटेक्ट में होंगी जो लंग्स होते हैं उनके सरफेस के कांटेक्ट में होंगी तो अब हम लोग एक बार लंग्स का डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमको ये और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए तो ये है हमारे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वाला कार्टिलेजस फ्लैप है जिसको हम क्या बोलते हैं एपिग्लोटस इसका फंक्शन क्या होता है कि जो खाना वग़ैरह हम खा रहे हैं ये ग्लोटस यानी विंड पाइप के अंदर एंटर ना करें तो यहाँ से आगे कहाँ पहुँचेगा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो लेरेंगस में पहुँचेगा लैरिंग्स के बाद क्या आएगा ट्रैकिया आएगा ट्रैकिया के बाद क्या होगा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर फर्दर क्या होंगी सेकेंडरी टर्शरी और जो ब्रोंकियोल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी तो ये सारी ये जितने भी है, जो वेरियस लाइनिंग्स हैं ये सारी क्या हैं ब्रोंकियोल्स हैं ये तो इसका आउटर अपीयरेंस है लंग का और ये इसका इनर अपीयरेंस है तो अब क्या होगा इसके अंदर हमने क्या बात करी थी कि जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं प्लूरा तो ये क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन है इनमें से ये वाली तो कौन सी है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये जो अंदर वाली है ये कौन सी है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये जो येलो कलर की नाइन लाइनिंग्स इनके बीच में दिखाई हुई हैं ये क्या है प्लूरल फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या होगा जो लंग का जो सरफेस है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको कम करवाने का इसका काम है और जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके टिप पे क्या प्रेजेंट होता है एलोवेलाई प्रेजेंट होती है ये रही एलोवेलाइज जो बीच में येलो वाला पोर्शन है वो क्या है प्लूरल फ्लूइड है और ये दोनों क्या हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट वेयर द एलोवेलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये जो रेस्पिरेशन का जो पैसेज है ये नॉर्मली हमने बोला था बिल्कुल स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल से शुरू होता है और ये जो ब्रॉन्कील हैं वहाँ तक का जो पूरा रास्ता होगा उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके ब्रोंकिल्स तक का पूरा रास्ता इसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट और जो फिर जो एलोवेलाई बची और उसके आसपास बाकी की जो डक्ट बची उसको हम क्या बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अब देखते हैं कि ये जो कंडक्टिंग और जो एक्सचेंज पार्ट है इनका फंक्शन क्या क्या होता है

कि जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमने इनहेल की है उसको ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे कहाँ तक एलोविलाए तक ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वो जो एटमॉस्फेरिक एयर हमने इनहेल करी है अगर उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमारे लिए सही नहीं है या फिर हार्मफुल है उसको क्लियर करवा देंगे यानी रिमूव करवा देंगे इसके अलावा जो एयर अंदर एंटर हुई है उसको ह्यूमिडिफाई भी करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में उस एयर को भी लेके आ जाएंगे ये तो काम था कंडक्टिंग पार्ट का द एक्सचेंज पार्ट इज़ साइट फॉर द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ओ टू एंड सी ओ टू बिटवीन ब्लड एंड दी एटमोसफियरिक एयर वहीं जो दूसरा हिस्सा है जो कि एक्सचेंज पार्ट है ये एक्चुअल साइट है यानी कि मेन पार्ट है जहाँ पे ओटो और सी ओ टू की एक्सचेंज होगा मतलब ओटो तो हमारे शरीर के अंदर एंटर करेगी सारी सेल्स तक पहुँचेगी वहीं जो सी ओ टू है वो क्या करेगी जो वेस्ट मटीरियल का, का काम कर रही है वो हमारे शरीर से बाहर निकलेगी बिटवीन द ब्लड एंड द एटमोसफेयरिक एयर तो ब्लड और एटमोसफेयरिक एयर है उसके बीच में ये ओ टू और सी ओ टू का एक्सचेंज करवाएँगी तो हुआ क्या सिंपल एंड शॉर्ट में यहाँ कि जो कंडक्टिंग पार्ट था उसने क्या किया एटमोसफेयरिक एयर को एलोवेला तक पहुँचाया जो रेस्पिरेटरी या फिर जो एक्सचेंज पार्ट है उसने क्या किया वो मेन जगह हैं जहाँ पे जो एक्सचेंज होना होगा सी ओ टू का और ओ टू का वो होगा द लंग्स आर सिचुएटेड इन दॉरेइ चैम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर तो जो लंग्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ है? जो थॉर चैम्बर होता है ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये क्या है एक एयर टाइट चैम्बर है दॉरिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोरसली द वर्टीब्रल कॉलम वेंट्रली बाय द स्टेरनम एंड लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय अ डोम शेप्ड डाइफ्राम तब ये जो हमने बोला कि जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है थोरइ चैम्बर में प्रेजेंट है पर ये जो थॉरक चैम्बर है ये किस किस चीज़ से मिल बना है तो इसका जो डॉसल साइड होगा वहाँ तो क्या प्रेजेंट होंगे वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे जो इस थॉरक चैम्बर का वेंट्रल साइड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे स्टेरनम प्रेजेंट होगी जो इसका लेटरल पार्ट है वहाँ पे रिब्स होंगी और जो लोअर साइड है वहाँ पे डायफ्राम होगा मतलब चारों हिस्सों पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं वर्टिब्रल कॉलम है एक साइड दूसरी साइड स्टेरनम है तीसरी साइड रिब्स है और चौथी साइड डायफ्राम है और इनके बीच में क्या सिचुएटेड है लंग्स सिचुएटेड हैं दल सेटअप ऑफ द लंग्स इन दॉरिक्स इज सच दैट any change in the volume of thoracic cavity can be reflected in the lungs or the pulmonary cavity. तो ये जो पूरा लंग्स का जो सेटअप है जो पूरा मकैनिज़म हुआ है वो इस तरीके का है कि ये जो थॉर कैविटी है अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर कोई वॉल्यूम के अंदर चेंज आया तो वो चेंज डायरेक्टली किसके ऊपर आएगा लंग्स के ऊपर भी ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा ज़रूर दिखेगा सच एन असेंश अरेंजमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कंट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम तो ये जो हमने पूरा अरेंजमेंट किया है थोरेक चैम्बर वाला जिसके चारों साइड कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट थी और ये जो थोरेक कैविटी का जो चेंज है वो डायरेक्टली लंग्स के ऊपर दिखता है तो ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है पूरे ब्रीदिंग के प्रोसीजर के लिए क्योंकि हम डायरेक्टली जो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं द फर्स्ट वन इज़ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच

डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ओ टू एंड सी ओ टू अक्रॉस द एलोविला मेमब्रेन तो जो एलोविलाई होती है उसकी जो मेमब्रेन होती हैं वहाँ से क्या होता है जो ये ऑक्सीजन और जो सी ओ टू है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज होता है ओ टू हमारे शरीर के अंदर आफर्दर सेल तक पहुँचती है और सी ओ टू बाहर एक्जेल हो जाती है तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय दी ब्लड तो जो ऑक्सीजन है उसको जो ब्लड है वो कहाँ तक पहुँचा रहे सारी सेल्स तक पहुँचा रहे और जो सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सी टू है उसको एलोवेलाय तक वापस पहुँचा रहा है तो जो ब्लड है उसका मेन काम होता है सारे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो चौथा स्टेप है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ ओ टू एंड सी ओ टू बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और ये जो ओ टू और सी ओ टू हैं दोनों का डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर और जो पाँचवा स्टेप है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ ओ टू बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ सी ओ टू सेल्यूलर रेस्परेशन तो इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर क्या पहुंचेगी ऑक्सीजन पहुंचेगी सारी सेल्स तक पहुंचेगी और वहाँ पे क्या होंगे अलग अलग रिएक्शंस होंगे यानी कि जो ग्लूकोज वगैरह है वो क्या होगा ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज़ के ब्रेक से क्या होता है एनर्जी रिलीज़ होती है सी ओ टू रिलीज़ होती है और एच टू रिलीज़ होता है तो वो जो सी ओ टू निकलेगी उस ग्लूकोज़ की यूटिलाइजेशन की वजह से फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकलेगी किसकी मदद से बाहर निकलेगी ब्लड की मदद से बाहर निकलेगी निकले ये चीज़ ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं आर प्रेजेंट होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये जो आर हैं इनका रेड कलर क्यों होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और ये जो हीमोग्लोबिन है यही वो मेन कॉन् कौन, है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है तो जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो सकते हैं और जब इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होके जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और फिर ये क्या करेगा ये हीमोग्लोबिन सेल्स के पास पहुंच के इस ओ टू को रिलीज़ कर देगा और वहाँ से उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी सी ओ टू उसको उठाएगा और वापस कहाँ छोड़ देगा एलोविलाई के अंदर छोड़ देगा और उसी एलोविलाई से वो जो आ, कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं